थेरेपी के बारे में आप सब लोगों को बताना था, लेकिन हम सेशन करने के लिए हॉस्पिटल में आए, हमीदा मेमोरियल हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल्स आर नॉट अ वेरी गुड यू नो प्लेस फॉर इंटरनेट. तो वो और उस चेयर के साथ जो है लाइव सेशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिकॉज इंटरनेट वॉज नॉट टोटली वर्किंग. तो हमने कहा कि वाई नॉट रिकॉर्ड अ वीडियो एंड डू आर बेस्ट जो हम उसके साथ कर सकते हैं. तो राइट नाउ हम हमीदा मेमोरियल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और वी वॉन्टेड टू डू दिस सेशन विद द चेयर. और साथ में हमारा ये मकसद था कि हम आपको लाइव थेरेपी देते हुए दिखाएं कि व्हाट दिस थेरेपी एक्चुअली वर्क्स, ये मशीन जो है ये किस चीज़ में हमें हेल्प करती है. और हम एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक प्रॉपर ओपिनियन लें जो हमें ये बताएं कि इनकॉन्टिनेंस का मसला और जो ओल्ड एज में या यंग एज में भी वुमेन को किस किस्म के पेल्विक हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. तो हमारे साथ डॉक्टर शबनम मौजूद है. थैंक यू सो मच डॉक्टर शबनम कि आपने मैडम के ऑडियंस के लिए ये करने का आपने एग्री किया कि आप हमें अवेयरनेस देंगी. तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं सब लोगों को. शुक्रिया आसमा. मैं डॉक्टर शबनम मोहम्मद अली हूँ. मैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर गानी की अपने बात अंजाम दे रही हूँ. हमारे यहाँ ये जो एक चेयर आई है इसमें बाहर से इम्पोर्ट की गई है, मैग्नेटिक चेयर इसको हम कहते हैं. हमारे यहाँ बहुत सारी जो खवातीन जो जच्ची के मराहल से गुजरती हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, तो उसमें हर डिलीवरी के साथ उनका जो पेल्विक फ्लोर है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है. इसका मतलब ये है कि उनके जो मसल्स हैं जिनको पट्टे हम कह सकते हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं. तो ज़रूरत इस अमर की है कि हर डिलीवरी के बाद खवातीन जो है वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस किया करें ताकि वो जो मसल्स इनके थोड़े से डैमेज हुए हैं या कमज़ोर हुए हैं वो वापस अपनी जगह पे पहुंच सकें. तो आमतौर पे आपको पता है कि खवातीन के पास इतना टाइम नहीं होता डिलीवरी के बाद कि वो इस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकें, और उनके बच्चे भी जाहिर है वो उनका बिजी शेड्यूल होता है, उन्हें बच्चों को दूध भी पिलाना होता है, तो वो ये काम नहीं कर पाती, जिसके बायस ये होता है कि ये जैसे जैसे रिपीटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उनका पेल्विक फ्लोर मजीद कमज़ोर होता जाता है, जिससे आगे पहुंच के बढ़ापे में बहुत से मसाइल का शिकार हो सकती हैं. मिसाल के तौर पे उसमें जो जिस्म का बाहर आना या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें अगर खांसी करने से पेशाब का एक आध कतरा निकल जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. अब हमारे पास जो ये चेयर है इसका ये फ़ायदा है कि जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं इनको ये टोन अप करती है, ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मसल्स को टोन अप करने के साथ इनको मजबूत करती है, इनका खून का दौरानिया इसमें बढ़ाती है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर नहीं पड़ते और ये पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहता है और जिस्म के बाहर आने को रोकता है. और इस किस्म की चीज़ें जो हमारे मुआशरे में बहुत कॉमन हो गई हैं ओल्ड एज में, जैसे फीकल ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है इसको प्रिवेंट करती हैं. तो आप सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्यों ना हम हर डिलीवरी के बाद आप अगर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते तो क्यों ना इस चेयर पे बैठ के सिर्फ 20 सेशंस इस पे लगाए जाएं और अपने मसल्स को टोन अप किया जाए. इसका बहुत ही आसान तरीका है, ये आप चेयर देख रहे हैं इसमें जी बिल्कुल आप बैठ के दिखाएं. इसमें जब ये बैठेगी तो इसमें ये मशीन जैसे ही जब ऑन होगी ये चलेगी. ये मेरे ऑफिस की चेयर की तरह अच्छी है, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इससे कोई आपको दर्द तो नहीं हो रही है ना, इसमें किसी किस्म की फीलिंग भी नहीं आ रही. जस्ट एक टोन अप करने के लिए हल्की सी मैग्नेटिक फील्ड है जो इनके पेल्विक फ्लोर के मसल्स को हल्का सा टोन अप करेगी, और उसमें हल्की सी फीलिंग ये आएगी कि आपके जैसे आप ये सोच लें कि जैसे मसल ट्विचिंग थोड़ी सी होती है उस तरह से आपको ये फीलिंग आएगी, लेकिन ये दर्द वगैरह इससे बिल्कुल नहीं होती. और ये हर एज की खवातीन के लिए है. यंग लड़कियां जो कि डिलीवरी के फौरन बाद इसके सेशन ले सकती हैं ताकि वो फर्दर मुश्किलात या प्रॉब्लम्स में ना पड़े. इवन ओल्ड एज में भी आप देखें कि बुरी खवातीन जिनको अगर कोई इसमें इनकॉन्टिनेंस का कोई प्रॉब्लम है, यानी पेशाब का निकल जाना, एक आध कतरा कोई अगर निकल जाना, तो बजाय कि वो इस चीज़ के लिए सर्जरी कराएं, बेहतर होता है कि वो अपने आप को पहले नॉन इन्वेसिव तरीका बगैर सर्जरी के पहले ही अपने इसके सेशंस लगाएं और ट्राई करें कि इससे वो बेहतर हो सके. अभी हम जब इस सेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे तो यहाँ पर एक पेशेंट आई नहीं थी, वो बस वीडियो में नहीं आना चाह रही थी बिकॉज यू नो प्राइवेसी का इशू होता है.
लेकिन वो ये कह रही थी कि उनको ये थेरेपी सेशन उनके फ्रेंड ने रिकमेंड किया और इस वजह से रिकमेंड किया क्योंकि वो सर्जरी कराने के लिए हमीदा मेमोरियल हॉस्पिटल में आई थी। तो यहाँ पर जनरल सर्जन है डॉक्टर मजहर जिनके हॉस्पिटल है, उन्होंने ये चेयर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई है। तो जब उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है इनकॉन्टिनेंस के लिए, बल्कि आप इस चेयर की थेरेपी दे सकते हैं। और शी तो मतलब टोटल इसकी जो कम्प्लीट थेरेपी है उसमें 20 सेशन होते हैं, राइट? हाँ जी, टोटल 20 सेशन। लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 सेशन ही लिए थे और उनको जो है वो उसकी वजह से उनका जो प्रॉब्लम था इनकॉन्टिनेंस का वो सॉल्व हो गया। और वो जो अभी पेशेंट आई हुई थी, शी वॉज जस्ट टेकिंग इट के भाई आगे चलकर एज में प्रॉब्लम ना हो और ये एक ऐसा इशू है जिसकी हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ लोग उतनी रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर पाते। या तो अगर आप आए आप जस्ट यू नो टेक 20 सेशंस फॉर 20 मिनट्स, राइट? हाँ जी, अगर ये मसला इनिशियल स्टेज में हो, जैसे कि अभी सिर्फ शराब का एक ही कतरा नया निकल जाता हो जब खांसी करने से, या पेट में कभी जब ज़्यादा प्रेशर हो, तो वो अगर ये इनिशियल स्टेजेस होती हैं तो इसमें ही मसल को अगर टोन अप कर लिया जाए तो सर्जरी से ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसको ट्राई करने में फ़ायदा ही है, क्योंकि आगे चल के अगर हम इसको नहीं अपनाएंगे तो फिर आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसके आपको पता ही है कि इतने नुकसान आती हैं, साइड इफेक्ट्स भी हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। जबकि इस ये किस्म की एक्सरसाइज आप समझ लें कि जो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये आप आसानी कर सकते हैं। आप दिन में 15 मिनट सिर्फ निकालें और इसके ऊपर सिर्फ आपने बैठना है और आपका वो जो मसल्स है वो टोन अप हो जाएंगे। और जैसे हमें पहले डॉक्टर फसल ने बताया कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं बाहर के मुल्कों में, ये वाला जो थेरेपी सेशन है ये हर वो खातून के लिए ज़रूरी होता है लेना आफ्टर डिलीवरी का बेबी, ताकि उनको आगे चलकर इस किस्म के मसाइल फेस ना करने पड़े और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब ना हो। क्योंकि ये एक नई चीज़ है तो इसलिए लोगों में आगाही फराहम करना ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि ये भी ऐसी भी कोई चेयर है जिससे वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और सर्जरी के बाद अपने मसल्स को दोबारा नॉर्मल हालत में लेके आ सकते हैं। इसलिए आप ये अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, दोस्तों को बताएं, अपने कलीग्स को, ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और मज़ीद पेचीदगियों से जो कि सर्जरी की वजह से होती हैं या ज़िंदगी में बुढ़ापे में जो और फर्दर पेचीदगियाँ हो सकती हैं इसकी वजह से, वो बच सकें। हमने जब यहाँ पर हमीदा मेमोरियल हॉस्पिटल में की तरफ से हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स विजिट करते रहते हैं, जब हमने हमीदा मेमोरियल हॉस्पिटल को विजिट किया तो यहाँ पर जो इनके पास दो डिफरेंट तरह की स्पेशल टेक्नोलॉजीज हैं, एक होलमियम लेजर सर्जरी फॉर किडनी स्टोन्स और एक ये मैग्नेटिक चेयर फॉर वेमेन। तो उसमें यही था कि डॉक्टर साहब का भी ये कहना था कि हम इस चेयर के बारे में लोगों को अवेयरनेस दें, क्योंकि बहुत कम लोग पाकिस्तान में इसके बारे में जानते हैं कि ये यहाँ पर मौजूद है और इट कैन गिव एनी काइंड ऑफ सर्विस टू देम। जैसे पाकिस्तान में एक ज़माने में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में भी कोई नहीं जानता था, लेकिन अब तो ये बहुत ही आम सी बात हो गई है, हो गई है हर हॉस्पिटल में, हर ख्याल में लाहौर में इस तरह की चेयर तो और कहीं नहीं है। लाहौर में क्या पंजाब में आप देखें तो इस तरह की चेयर, जो कि इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो इस वजह से किसी हॉस्पिटल में इस तरह की चेयर आपको नहीं मिलेगी। हाँ, मतलब ये एक लग्जोरियस आइटम है। हाँ, ये है कि वो खवातीन जो लोग जो खुशकिस्मती से इसको अफोर्ड कर सकते हैं और वो ये समझते हैं कि हाँ उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए, तो हाँ उन्हें वो फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, ये दे कम ओवर एंड चेक दिस सर, चेक आउट। वो हमीदा मेमोरियल हॉस्पिटल में आई, ये डी ब्लॉक वैलेंशिया टाउन में है मौजूद, और यहाँ पे आके मुझसे रब्ता कायम करें और इंशाल्लाह उनकी जो प्रॉब्लम है वो दूर की जाएगी और प्रिवेंट की जाएगी। और हम इस सर्विस के लिए एक चीज़ हमें ये इस हॉस्पिटल वालों ने प्रोवाइड की है कि नेक्स्ट 5 डेज के लिए ना द सेशन ऑफ दिस थेरेपी आर फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको इनकॉन्टिनेंस का मसला है या यू हैव डिलीवर्ड अ बेबी और आप सम टाइम, जैसे हम लोग यू नो वी गो आउट फॉर समथिंग, अब इट्स लाइक आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर और अभी मैंने आप लोग के सामने इस चेयर को ऑन किया था और अभी जो है इसकी पावर जो है वो मेरे पास 90 के ऊपर है, हम स्टेप बाय स्टेप इसकी पावर को इंक्रीज करते हैं, लेकिन मैं यू नो मैं उसकी हाई पावर पर मौजूद हूँ। और ये आपके बर्दाश्त करने पे है कि अगर आपको कितनी ज़्यादा स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड है। हाँ। अगर आप ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करना चाहती, ये कम पे रखनी चाहती हैं, तो ये इसमें आप इसको ऑफ कर सकती हैं और इस वजह से ये आप कंट्रोलेबल है, यानी कि आप इसको एडजस्ट कर सकती हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। और इसके
अलावा ये है कि मैम ये आप हमें बताएंगे और जो खवातीन को ये चेयर किस किस चीज़ में हेल्प कर देती है, या वो अभी आफ्टर डिलीवरी हमारा एक बेसिक जो जिसकी वजह से अभी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस चेयर थी वो ये था कि खवातीन को बेबी को डिलीवर करने के बाद किन 5 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, तो इन दैट वी गेट टू नो अबाउट दिस चेयर। तो आपके अलावा और खवातीन को जब अप्लाई थे डिलीवर्ड है बेबी उनको कितनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए आपको पता है कि जो जिस्म है वो चाहे बेबी की डिलीवरी के बाद थोड़ा सा तो ऑल्टर होता है। हाँ। जो मसल्स हैं वो थोड़े से लैक्स ढीले पड़ जाती हैं, जो लिगामेंट्स हैं वो भी ढीले हो जाते हैं, इवन जो जॉइंट्स हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान थोड़े से ढीले हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी के फौरन बाद उनको उनकी नॉर्मल हालत में आना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें एक एफर्ट चाहिए होती है पेशेंट की तरफ से एक्सरसाइज की सूरत में, और अगर वो ये एफर्ट ना कर पाए या ना कर सके, एक्सरसाइजेस को ना कर सके और रिपीटेड वो प्रेगनेंसीज करती जाए, तो फिर इसका जो इफेक्ट होगा वो आगे जाके बुरा हो सकता है। जैसे जिस्म जो है वो बाहर आ सकता है और जिस्म का बल्की हो जाते हैं, उनका टोन आप यानी उनका पेट भी जाहिर निकल आता है और वो जिस्म भारी हो जाता है। तो अगर आपने फिट रहना है और अपने आप को बीमारियों से बचा के रखना है हर और नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर आपने वैसे ही टोन अप होके अपने मसल्स को कंट्रोल रखना है, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप एवरी डिलीवरी के बाद इसके सेशंस लें। अच्छा मैम, और ये आपने लाइक अगर सपोज जैसे अगर सपोज मैं अब बेबी जो है हुआ तो मुझे उसके कितने अरसे के बाद इसके सेशन लेना शुरू करने चाहिए, लाइक 40 डेज के बाद या 2 मंथ्स के बाद? देखिए एज अर्ली एज पॉसिबल ये ठीक होगा, जो आपको कन्वीनियंट हो। बेशक आप ये परप्यूरियम गुजारने के बाद यानी छिला के बाद भी आना चाहेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप छिला गुजारने के बाद बेशक आ जाए, या उससे पहले भी अगर आप कंफर्टेबल हैं घर से निकल सकती हैं। या कईयों में होता है कि जी अभी छिले में नहीं निकलना घर से, तो ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कोई बात नहीं, आप 40 डेज के बाद आ जाए और अपने सेशन पूरे कर लें, आप यहाँ से टाइम ले लें और सेशन जरूर पूरे करें। लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल जितनी जल्दी आप इसको करेंगी टोन अप के साथ भी बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर महमूद नज़र मौजूद हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमीदा मेमोरियल हॉस्पिटल में मैग्नेटिक पेल्विक थेरेपी जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, और ये लाहौर में सिर्फ यहाँ पर ही मौजूद है, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये यहाँ पर इनकी हार्नियम लेज़र सर्जरी भी है, उसके बाद ये पेल्विक थेरेपी। तो डॉक्टर नज़र इज मोर इंटू इट के भाई यहाँ पर नई से नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराएँ, और जैसे वही मैंने आपको मैंने अभी ऑडियंस में बात बताई, मैंने बताया कि एक ज़माने में यहाँ पर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का भी कोई रिवाज नहीं था, लोग जनरल सर्जरी करते थे, लेकिन यू नो दैट सर्विस गॉट इंट्रोड्यूस्ड और फिर उसके ऊपर अब वो इट इज़ वेरी कॉमन। तो इसी तरह जो है ये थेरेपी सेशंस या ये हॉलमियम वगैरह ये इनके बारे में लोग आज कम जानते हैं, लेकिन ये दे आर द फ्यूचर, क्योंकि लोग जो है वो अब सेफ ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो सर व्हाई यू इंट्रोड्यूस्ड दिस थेरेपी हियर इन पाकिस्तान, और आपके ख्याल में खवातीन को इसे क्यों लेना चाहिए? मेरे ख्याल में कि पेशेंट के लिए बहुत बड़ी सर्विस है, क्योंकि इसका जो ऑल्टरनेट था वो सर्जरी थी, जिस पर्पस के लिए ये चेयर बेसिकली ये जो खिलाती मैग्नेटिक थेरेपी चेयर ये खवातीन में खासतौर पर चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हर खातून में तो नहीं पर ग्रेट परसेंटेज फीमेल पॉपुलेशन डिलीवरी के बाद एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉम्पिटेंस, के जो खातून है वो अपना पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाती, तो कई लोगों में तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी जिसे कहते लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, और हमारे माशरे में खास तौर पर जो बड़ा ऑर्थोडॉक्स माशरा है खातीन जो है वो अपनी प्रॉब्लम
है वो एक दूसरे से भी इस तरह की प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए बुरा महसूस या उसमें हार महसूस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो ट्रीटमेंट था इससे पहले वो इन्वेसिव ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट था। तो यूरोप में खासतौर पर वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में नाउ दिस शेयर इज गेटिंग वेरी पॉपुलर क्योंकि इससे इनडायरेक्टली जो पेल्विक मसल्स हैं उनको एक्सरसाइज करा के स्ट्रेंथन किया जाता है और इससे बड़ी हद तक ये लोग इनकॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम या पेशाब ना कंट्रोल करने की प्रॉब्लम इस पर काबू पा लिया जाता है। और खाली यही मसला नहीं है और भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं जिसमें एंडोमेट्रियोसिस है जिसमें खास तौर पर जो पीरियड के दौरान एक बॉडी को और डिस्कम्फर्ट होता है मेन में ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और उसके अलावा खुवान में स्पेशली वो पेल्विक मसल वीकने की वजह से जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो उनके डेली डे टू डे मैचेस में वो वीक मसल्स की वजह से उनके लिए कुछ बीमारियाँ पैदा करती हैं। तो ये एक ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है अब जिसकी वजह से हमारे खुवान को काफ़ी फायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच और साहब कि आपने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है और इसकी सारी सर्विस के बारे में बताया है। सो गाइस हम हमीदा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ जो है वो डॉक्टर मसल की यू नो अप्रूवल पर इस चेयर के जो का जो फर्स्ट सेशन है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इसका सेशन लेना चाहें तो यू कैन यू नो इनबॉक्स अस या हम इधर अभी नीचे URL देंगे आप वहाँ पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को एंटर करें और बताएं कि आप पेल्विक थेरेपी जो है वो लेना चाहते हैं। तो वी विल यू नो सेंड आउट योर इन्फॉर्मेशन टू द हॉस्पिटल और वो सेशन फ्री होगा। करना चाहूंगा उसके लिए कि कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो मैं इस वक्त नहीं बता सकता। हाँ। वो आपको जो भी मरीज है बेशक बल्कि मैं फर्स्ट सेशन नहीं बल्कि मैं फर्स्ट थ्री सेशन जो है एनी पेशेंट ऑफ देम फॉर दिस इंट्रोडक्टरी ऑफर थ्री सेशंस कैन बी मेड गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक आपका सेशन होगा जिसमें वो आपके इश्यूज को एक बार रूल आउट करेंगी एंड देन द फ्री फर्स्ट थ्री थेरेपी सेशन विल बी फ्री। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और गाइस लाइक वी हैव प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या कोई भी चीज़ हो तो यू जस्ट पोस्ट इन द कॉमेंट्स एंड वी विल गेट बैक टू यू विद द आंसर्स। थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़।